ये चैलेंज हिट टू टेक्स अ लॉट। साइतामा बिचू। साइतामा एक ऐसा एनिमे कैरेक्टर जिसका एक पंच काफी होता है अपोनेंट को हराने के लिए। साइतामा है तो नॉर्मल ह्यूमन ही, पर उसने एक ऐसी लेवल की ट्रेनिंग करी जिससे उसने अपने ह्यूमन के लिमिटर्स को ब्रेक कर दिया और अपने एनिमे में स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन चुका है वो। कौन सी ट्रेनिंग थी? लकीली साइतामा ने इस बात का जवाब भी अपने एपिसोड के अंदर दे दिया था, जो की था 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रनिंग हर दिन 3 साल के लिए। हाँ, वैसे मैं ये ट्रैक करने वाला था, बट ऑब्वियसली 3 साल के लिए तो नहीं। मैंने सोचा था मैं 1 महीने के लिए ट्राई करूं, बट एज यू नो मेरे को ऑफिस का काम होता है, सो टूटते टूटते मेरा 1 दिन पे आ गया। और 10 किलोमीटर रोज भागना, 100 पुशअप, 100 सिटअप, 100 क्रंचेस, ये इजी नहीं होते हर दिन, इनमें बहुत टाइम लगता है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, 1 महीना या 1 साल या 1 वीक नहीं, Why don't we try this 1 दिन के लिए। So, हाँ, मैंने साइतामा का ये ट्रेनिंग वाला चैलेंज लिया है और देखते हैं मैं कैसा कर पाता हूँ। मेरे हिसाब से मैं कर लूंगा, बट मे भी कुछ दिक्कतें आएंगी। मैं रोज जिम जाता हूँ, मैं उनके बाद ये चीज करूंगा और जिम से वैसे मैं काफी थक जाता हूँ। हम गिव अप नहीं करेंगे और हम भी साइतामा की तरह पावरफुल बनेंगे, अपने लिमिटर्स ब्रेक करेंगे और अपने कम्फर्ट जोन के बाहर आएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। साइतामा की रनिंग करने वाले हैं, बट वन पी स्टाइल के अंदर। देखो यहाँ मैं रनिंग करूंगा 10 किलोमीटर। कैमरा अकेले ले आऊँ, पर तुम्हें पता है मेरा आईफोन तो बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने भाई को लेके आऊँ, कैमरा पकड़ रहा है और मैं रनिंग करूँगा। मैंने नाप लिया है अराउंड 500 मीटर है यहाँ पे एक राउंड, तो मैं 20 राउंड मारूँगा और सारी जो होती है उसकी पुशअप्स, उसकी क्रंचेज और स्क्वाट्स वो घर पे आके 100। और देखो इसमें नारियल पानी है, बहुत सही होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं तो एनर्जी देता रहेगा मुझे रनिंग करते टाइम। शुरू करते हैं अब। रनिंग इज इम्पोर्टेंट बट फ्लेक्सिंग इज लाइफ। सो हाँ, मैं तुम्हें पूरी 10 किलोमीटर रनिंग नहीं दिखाने वाला, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। कुछ पार्ट्स दिखाऊंगा और कुछ मैं तुम्हें ऐसे इंटरेक्शन भी करूंगा। मेरे 10 राउंड हो चुके हैं, थोड़ी आप लोग बूस्ट करते हैं नाल पानी के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स। शुरू करते हैं फिर से रनिंग। मैं वैसे सीधा जिम से ज़्यादा रनिंग करने में, जिम हो गया जो रनिंग करने चलते हैं अब, जो कि मेरा इतना सा डिसीजन नहीं था, क्योंकि मैं जिम के अंदर लेग्स ट्रेन कर रहे थे और लेग्स के बाद रनिंग करना इज़ नॉट अ गुड डिसीजन। मतलब 10 किलोमीटर तो बिल्कुल अच्छा डिसीजन नहीं होता। 15 राउंड हो चुके हैं, 5 बजे लास्ट, वो मैं स्प्रिंट मारूंगा। स्प्रिंट मतलब पूरा फाल फुल स्पीड में भागना, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखो मैं फुल स्पीड में भागा था, पर जो अंटी है ना आगे वो सुन में डर गई थी एकदम से, और यहाँ तुम ना कुछ मीम मीम लगा देना, मीम टेम्पलेट बना लो, बड़ा अच्छा लगता रहा है मुझे मीम टेम्पलेट। लास्ट राउंड तो 10 किलोमीटर अपना हो चुका है, अब आ रही आती है ऑल माइटी पुशअप्स की। ओके, तो मैं रनिंग करके घर आ चुका हूँ और मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले जो 3 बाकी बचे हैं, मतलब स्क्वाट्स, पुशअप और क्रंचेस 100 करने, जो उनमें सबसे पहले फुल क्रंचेस मार लेता हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं थोड़ा खा भी लूंगा, थोड़ी एनर्जी भी आ जाएगी। मैं जिम करा मैंने फटाफट, चलो भाई पाक अब रनिंग करके आनी है, तो वो था इसलिए थोड़ा खा लेता हूँ, फिर मैं वापस पुशअप और स्क्वाट्स शुरू करूंगा। जो 100-100 करने में दिक्कत होने वाली है थोड़ी, क्योंकि मैंने जिम के अंदर आज लेग्स ट्रेन करी है और लेग्स बहुत हैवी ट्रेन होती है। मैं फुल क्रंचेज मारने में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ और मैं फुल क्रंचेज मारने हैं, बट वी वोंट गिव अप, जितने लगेंगे उतने तो लगेंगे, 100 मारने की बिल्कुल कोशिश करूंगा मैं। So, let's go. मेरे गीगा चैट और तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि मैंने अपने पैर पर डंबल क्यों रखे हैं, तो इसलिए रखे ताकि मैं फुल क्रंचेस मार रहे हैं, मेरे पैर ना उठे, वो वहीं के वहीं रहे। प्रॉपर फॉर्म में मार्च कर शुरू करते हैं क्रंचेस करना, ये होते हैं प्रॉपर फुल क्रंचेस। हाफ क्रंचेस भी होते हैं, उसके अंदर इतना ओपन नहीं उठते, मैं फुल मार रहा हूँ। हमारा साइतामा भी फुल क्रंचेस मारता था। देखो यहाँ तक आता है थोड़ा थक चुका था और तुम्हें रेस्ट लेना चाहिए, तुम एब्स मार रहे हो, अगर नहीं लोगे और एब्स में ज्यादा दर्द हुआ वो क्रैम्प दे सकता है, जो बहुत गंदा क्रैम्प होता है एब्स का। तो फिर शुरू हो क्रंचेस मारना, और अगर तुम लोग मुझे देखकर सोच रहे हो भाई मुझे भी क्रंचेज मारना है, तो बिल्कुल भी मत मारना, मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करूंगा। तुम शुरू में ही फुल क्रंचेज नहीं मारो, अगर क्रंचेज मारना तुम्हें शुरू करना, तुम्हें तो एब्स मिले तुम्हें भी, तो पहले तुम्हारा बॉडी फैट लो होना चाहिए, और दूसरी बात तुम्हें शुरू में मारना सीखना है तो प्लैंक वगैरह सीखो और हाफ क्रंचेज मारना सीखो। प्लैंक इसलिए ताकि तुम्हारा कोर स्ट्रांग बने, कोर स्ट्रांग बनेगा बहुत हेल्प मिलेगी लिफ्टिंग में, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अपने कोर मजबूत रखोगे तुम्हें एब्स मारने में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, और हमें अलग अलग वेरिएशन भी ट्राई करो, तुम लोग कर सकते हो, पर मैं सिर्फ बोलूंगा हाफ क्रंचेज। अराउंड 90 हो चुके हैं, 10 और बजे बस होने वाला है, लेट्स गो। एज यू हर्ड भी मैंने बोला लास्ट के 10 बजे, तो लास्ट के 10 थोड़े अलग एंगल से, और इस खुशी में मैं भूल गया कितने मारे, तो मैंने एक्चुअली में ज़्यादा मार दिए, 105 कुछ मार दिए। और अब टाइम आता तुम्हें एब्स दिखाने का, फ्लैक्सिंग। देखो हार्श रियलिटी, तुम कितने भी एब्स मार लो, अगर तुम्हारा बॉडी फैट लो नहीं है तुम्हारे एब्स नहीं दिखेंगे। मेरा बॉडी फैट लो है इसलिए मेरे एब्स दिखते हैं अच्छे तरीके से। खाने पे चलते हैं, और खाने में मेरा साथ 6 अंडों का एग वाइट, साथ में मेरा प्रोटीन शेक, और साथ में ये चॉकलेट ही दिखने वाली चीज़। अब ये क्या है? ये है चॉकलेट ओट्स, एंड लेट मी टेल यू समथिंग, ये चीज़
है स्वाद। मुझे लिटरली लत लग चुकी है इस चीज़ की हर दिन सुबह खाने की। अगर तुमने कभी नहीं खाई है ट्राई ज़रूर करना चाहिए। और स्पॉन्सर वीडियो वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। दो टास्क हो चुके हैं, दो टास्क बचे हैं सायतामा वाली, और अब अगर शुरू करते हैं हम स्क्वाट्स के साथ। तो ये होते हैं तुम्हारे स्क्वाट्स, मतलब एक नॉर्मल फ्री वेट स्क्वाट्स। देखो, अगर तुम्हें जिम नहीं जाना और तुम्हें अपने घर बैठ के तुम्हें लेग्स ट्रेन करनी है, जो मैं कर रहा हूँ वो करना शुरू कर दो। इस चीज़ से बढ़िया, स्क्वाट्स से बढ़िया कोई एक्सरसाइज नहीं है जो तुम्हारे कंप्लीट लेग्स को हिट करने वाली है। अब स्क्वाट्स के भी काफ़ी वेरिएशन होते हैं, जैसे कि एस टू ग्राउंड स्क्वाट्स और डंड जो होते हैं, और ये भी होता है सिंगल लेग स्क्वाट या फिर बुलेट स्क्वाट, जो मुझे नहीं होते, बहुत मुश्किल होते हैं। अब यहाँ तक मेरे स्क्वाट्स ऑलमोस्ट हो ही गए थे, सो लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन नाउ। मुश्किल नहीं थे, सांस फूल जाती है, बट इतने मुश्किल नहीं लगे, क्योंकि मैं हर दिन वीक में वैसे भी दो बार लेग्स हिट करता हूँ और उनके अंदर मैं शुरू में स्क्वाट से वार्म अप करता हूँ। सबसे पहले 10 किलोमीटर रनिंग, फिर क्रंचेस, फिर थोड़ा खाना और थोड़ा रेस्ट के बाद, क्योंकि सुबह में कुछ खाया नहीं था, एक्सरसाइज करने चला गया, तो उसके बाद में रनिंग और क्रंचेस वगैरह करी। और अब टाइम है, मेरे स्क्वाट्स भी हो चुके हैं मेरे, और अब टाइम है लास्ट ऑल माइटी पुशअप्स का। और वो पेशान से हुई जाएगी, क्योंकि हमारे साथ इताची है हमारा, उसने हेडबैंड माय फेलो गीगा चैट्स, हम फुल फॉर्म में आ चुके हैं, लेट्स स्टार्ट पुशअप्स नाउ। पुशअप्स एक बहुत प्राइमरी एक्सरसाइज तुम्हारे अपर पार्ट के लिए, बट सच बताऊंगा ये बहुत लोग गलत कर रहे होते हैं। लोगों की कमर मुड़ जाती है, मेरे देखो बिल्कुल सीधी है, लोग ये जिम में बहुत मोड़ लेते हैं। एक और वेरिएशन ट्राई करते हैं, जो मेरा सीधे मैं उनको पंच बना लिया, ये अलग वेरिएशन है। मैं कॉन्टिन्यूसली मार रहा हूँ, अब तक में भी मेरे अराउंड 60 या 65 तक हो चुके होंगे, सो एक बार फिर से मारते अराउंड 40 मार लेता हूँ। जिम नहीं जाना और अपनी चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप बनाने हैं, पुशअप मारना शुरू कर दो अलग वेरिएशन के साथ। लास्ट 5 बचे हैं, आई विल ट्राई कि मैं एक क्लैप पुशअप मारूं। 3, 4, 3, 2, 1, अब लास्ट, ठीक है, चप्पल उतारना की, ओके लास्ट पुशअप, ओ यस, ओके साइतामा आई डिड इट। 10 किलोमीटर करनी थी कंप्लीट, उसके अंदर मैंने 15 राउंड जॉगिंग करी और 5 राउंड स्प्रिंट मारा, मतलब पूरा तेज, और वो एक 500 मीटर था, तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने 2.5 किलोमीटर रनिंग करी है उस 10 किलोमीटर के अंदर। और स्क्वाट्स तो मैंने पूरे मारे हैं 100, उसमें कुछ वेरिएशन ही डाला मैंने अलग से। हाँ, मैंने सिंगल लेग ट्राई करा था, पर मुझे हो नहीं पाया, उसे बैलेंस ही रहता है बहुत अच्छा खासा, मैं इतना अच्छा है नहीं अभी। और पुशअप्स के अंदर, पुशअप्स में काफ़ी सही गया, पुशअप्स मैंने अराउंड 100 मार दिए, बड़ा इजी था, मुश्किल नहीं लगा, बट हाँ मैंने एंड में थोड़े अलग वेरिएशन में ट्राई करा थी क्लैप पुशअप, वो बड़ा सही लगा मुझे। वैसे टू बी ऑनेस्ट, अगर तुम्हें जिम या कुछ शुरू करना है तो मैं तुमसे बोल लूँगा घर पे पुशअप्स, चिनअप्स, स्क्वाट्स जितना मारना शुरू कर दो। सो एंड ऑफ द डे आके आई डिड कम्प्लीट द सायतामा चैलेंज, पर हाँ एक दिन का। सो हम ऐसे एंड में और चैनल आते रहेंगे, या तुम भी मुझे रिकमेंड कर सकते हो कि तुम ये करो वो करो, किसी और बंदे की ट्रेनिंग है कुछ, वैसे मुझे पता है एंड में कैटरीज ट्रेनिंग अलग ही लेवल की होती है, जोरो बाकी वगैरह की, तो देखते हैं मे भी फ्यूचर में ऐसा कुछ भी करूँ मैं। तो ये वीडियो इतनी थी, आई होप तुम्हें मजा आओ देख के और तुम्हें कुछ मोटिवेशन मिली हो, तो जाओ जाके तुम भी पार्क में रनिंग करके आओ, घर में एक्सरसाइज करना शुरू करा, कुछ भी करो बट स्टे फिट। हाँ मुझे पता है ये एनिमे से रिलेटेड चैनल है, यहाँ पे एनिमे वाली बात होनी चाहिए, पर यहाँ पे एनिमे को छोड़ के मैं मोटिवेशनल बातें या बॉडी बिल्डिंग वाली बातें आधा करता हूँ, आई नो। क्योंकि यहाँ पे तुम वेबअप को देखते हो जो कैमरे के पीछे वाला लौंडा है, मतलब कैमरे के आगे। तो हाँ, ये वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू एंजॉयड इट।